बिस्मिल्लाह मजीद का पांचवां सूरह है, उसकी आयत का नंबर 34, 34वीं आयत का बहुत ही अहम पैगाम, इंतहाई अहम वही परवरदिगार का पैगाम है तमाम इंसानों के लिए। इरशाद हो रहा है कि मन कतल नफ्स, अगर किसी ने भी बेगुनाह किसी को कत्ल किया तो याद रखो इस्लाम का कानून ये है, कुरान का कानून ये है, अल्लाह का कानून ये है कि जिस किसी ने किसी को बेगुनाह कत्ल किया याद रखो कि उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि इसका गुनाह इतना बड़ा है
इसका जुर्म इतना बड़ा है कि गोया इसने तमाम दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। दुनिया के किसी भी मजहब की किताब में आपको इससे बेहतर इंसानियत का दर्स नहीं मिले। कितना अजीम पैगाम है कि लोगों, अगर तुमने बेगुनाह एक इंसान को कत्ल किया है तो याद रखो ये मामूली गुनाह नहीं है, ये छोटा गुनाह नहीं है। ये मत समझो कि तुमने एक आदमी को कत्ल किया है, मर्डर किया है, नहीं, बल्कि इसका गुनाह इतना बड़ा है कि गोया तुमने तमाम इंसानों को कत्ल किया है। और उसके बाद दूसरा जुमला आ रहा है, वह मन अहया फक अन्नमा अहया नास जमीया। ये भी बहुत प्यारा जुमला है। ऐ लोगों सुनो, ये कुरान का बहुत प्यारा पैगाम है, बहुत नूरानी पैगाम है। अगर तुमने एक इंसान की जिंदगी को बचा लिया या एक इंसान को जिंदा किया तो ये मत समझो कि तुमने फकत एक ही जिंदगी बचाई है, बल्कि खुदा तुम्हें इतना सवाब देगा गोया तुमने सारे इंसानों को जिंदगी दी है। सलवात पे मोहम्मद इमाम। किस कदर अजीम पैगाम, एक इंसान को हिदायत देना इतना अजर है, कोई तमाम दुनिया के इंसानों को आपने जिंदगी दी है। अजीदान गिरामी, ये कुरान, ये इस्लाम क्या है? अमन का पैगाम है। इस्लाम क्या है? सलामती का पैगाम है। इससे बढ़कर क्या सलामती हो सकती है? इससे बढ़कर क्या इंसानी उसूल हो सकते हैं? कि इस्लाम किसे कहते हैं? ये सलामती का मजहब है। बुलंद तरीन दर्जा जो है इस्लाम में वो ईमान का है। मालूम है ईमान क्या है? ईमान का लफ्ज कहां से निकला है? ईमान का लफ्ज निकला है अमन से। यानी पीस, पीस अम, ईमान का लफ्ज निकला है अम्न से। यानी जो अहले इस्लाम होते हैं वो अहले अम्न होते हैं, वो अहले मोहब्बत होते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद इमाम। ये हकीकी इस्लाम है। मगर अफसोस के आज हम मुसलमानों की बदएमानियों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम बहुत प्यारा दीन है। इससे बढ़कर क्या उसूल है इस्लाम का? कितना प्यारा उसूल है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया वो सारे कायनात के इंसानों का कातिल है। जिसने एक ही जिंदगी बचलाई, बचा दी, उसने पूरी दुनिया के इंसानों को बचला लिया। अल्लाह अकबर। मगर अजीदान गिरामी, आज हमारे अहमाल, मुसलमानों के अहमाल कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। आज फिरका परस्ती की वजह से, आज कौम परस्ती की वजह से मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है। ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, बल्कि इस्लाम का नुकसान हो। जो लोग इस्लाम के करीब आना चाहते हैं वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं, वो समझते हैं बस इस्लाम यही है। नहीं अजीदान गिरामी, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है। इस्लाम अम का मजहब है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम सलामती का पैगाम देता है। याद रखिए, इसीलिए इस आयत का हमने इंतखाब किया है कि आज जब दुनिया का नक्शा देख रहे हैं तो मुसलमानों की बदअहमालियों की वजह से, हमारे नकायस की वजह से इस्लाम मजलूम हो रहा है, इस्लाम करीब हो रहा है। देखिए इस्लाम का दूसरा पैगाम जो हदीस के जरिए हम तक पहुंचा, सरकारी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नूरानी हदीस सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल बहुत प्यारी हदीस फरमाते हैं। फरमाते, अगर किसी मोमिन और मोमिना के दरमियान, या दो मोमिनों के दरमियान, या मियां बीवी के दरमियान अगर कहीं पर इख्तलाफात हो जाए, नाराजगी हो जाए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अब आपस में ताल्लुकात खत्म हो जाए, अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आप इस इरादे से निकल रहे हैं कि दो मोमिनीन में सुलह करा दें, आप इस इरादे से निकल रहे हैं कि मियां बीवी के दरमियान सुलह करा दें ताकि नफरत जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाए, अब सुनिए आगे जो लफ्ज आ रहे हैं वो बड़े कीमती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते,
बातें हैं। अगर इस नीयत, इस इंटेंशन, इस इरादे के साथ अपने घर से निकले कि मियां बीवी के दरमियान झगड़ा है, चलो एक दो घंटा खर्च कर देता हूं, शायद इनके दरमियान सुलह हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इस इरादे से आप निकले हैं ना, अभी आप वापस नहीं आएंगे, यानी अभी घर वापस नहीं पहुंचेंगे, और आपको खुदावंद आलम लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र की इबादत का सवाब अता फरमाए। अंदाजा लगाइए, लैलतुल कद्र शबे कद्र की इबादत का सवाब अल्लाह ता फरमाएगा। अगर दो मुसलमानों में इख्तलाफात हो गए, उनको आपने दूर कर दिया, लैलतुल कद्र जानते हैं क्या है? कुरान कह रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये शबे कद्र वो है जो एक रात है मगर हजार हा महीनों से अफजल है। ये एक रात अगर किसी को इबादत में नसीब हो जाए तो 70 साल की इबादत का सवाब। और ये रात अल्लाह ने छुपा रखी है, शायद 19 हो, शायद 21 हो, शायद 23 हो, शायद 27 हो, आखिरी रातों में से कोई एक रात हो सकती है। अदीदाने गिरामी, उधर आप 3-4 रातें इबादत करें तो लैलतुल कद्र नसीब हो, पूरी रात इबादत करें, एक नहीं 2-3 आखिरी 10 रातों में से कोई लैलतुल कद्र हो सकती है। और यहां पर आपने 1 घंटा खर्च किया, 2 मोमिनों के दरमियान सुलह करा दिया, अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता। अब बताइए, अब जरा सोचिए कि अगर 2 मोमिनों के दरमियान सुलह हो जाए तो इतना सवाब है, 70 साल की इबादत का सवाब। अगर हम और आप कोशिश करें कि 2 मोमिनी नहीं बल्कि इस्लाम के 2 बड़े फिरके शिया और सुन्नी, जो इस्लाम के 2 बाजू हैं, 2 सबसे बड़े फिरके हैं, अगर हम और आप कोशिश करें कि इन दोनों में सुलह हो जाए तो अब अंदाजा लगाइए कि सवाब का कोई हिसाब ही नहीं कर सकता। जब 2 मोमिनों में आपने सुलह करा दी तो 70 साल की इबादत का सवाब। अगर करोड़ हा मुसलमानों के दिलों में मोहब्बतें पैदा कर दें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर कर दे, तो अब आप सोचिए कि सवाब कहां पहुंच जाएगा। इसे कोई शुमार नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, आज इसकी अशद जरूरत, बहुत जरूरत है कि मुसलमानों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, ताकि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो इस्लाम मजबूत हो जाएगा। देखिए, अकीदे की बात है, अकीदे में हर इंसान आजाद है, इसीलिए आप जानते हैं कि अकीदे में तकलीद करना जायज नहीं है। आप खुद तहकीक करें, रिसर्च करें, ये इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, इंसान रिसर्च करे कि सही अकीदा क्या है। कुरान मजीद हमारे पास, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर आज मुसलमानों में जो मुश्किल बात आ गई है कि हम खानदानी मुसलमान ज्यादा हैं, अकलानी मुसलमान कम है। ठीक, अगर हम कोई चीज करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे मां बाप करते हैं, अगर कोई चीज नहीं करते इसलिए कि मां बाप नहीं करते, ऐसा इस्लाम जो है उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अकलानी मुसलमान बनना, यानी अकल से इस्लाम को समझें, रिसर्च करें, तहकीक करें, तो सही इस्लाम आपको मिल जाएगा। अकीदा भी यही है कि इंसान अकीदे आइडियोलॉजी के बारे में इंसान सोचे, अल्लाह ने अकल दी है। ये जो मामला है अकीदे का, दुनिया आखिरत कैसे ताल्लुक है, तो इंसान जब तहकीक करेगा एक अकीदा मिल जाएगा। अब ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है कि जो मेरा अकीदा है वो मैं आप पर मुसल्लत करूं, या जो आपका अकीदा है वो आप मुझ पर मुसल्लत करें। हर एक इंसान आजाद है कि रिसर्च तहकीक के जरिए से एक अकीदा इंसान हासिल कर ले और उसी के मुताबिक जिंदगी करे। यानी हमें चाहिए क्या चीज, इस चीज की जरूरत है कि हम तहकीकी मुसलमान बने।
फरमाई कि जो भी अकीदा हो वो रिसर्च के जरिए से, तहकीक के जरिए से। लेकिन आज क्या मुसीबत है, क्यों इस्लाम गरीब है, क्यों मुसलमान प्रॉब्लम्स में है? क्योंकि आज मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी फिरके हो, अक्सर फिरकों का यही हाल है कि हम तहकीकी मुसलमान कम है, तअस्सुबी मुसलमान ज्यादा है। तअस्सुबी मुसलमान ज्यादा है, और जब तक तअस्सुबी मुसलमान रहेंगे ये प्रॉब्लम साल नहीं होंगे, और ये फिरका परस्ती रहेगी, कौम परस्ती रहेगी, और नतीजा ये होगा कि इस्लाम दिन ब दिन कमजोर होता चला जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम तहकीकी मुसलमान बने, तअस्सुबी मुसलमान ना बने। सलवात पे मोहम्मद वाले, अब चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि पता चले कि हम तहकीकी मुसलमान हैं या तअस्सुबी मुसलमान। तहकीक, अगर कोई रिसर्च करता है, अब तहकीक करने वाले, हत्ता के गैर मुसलमानों को भी देखिए, तहकीक करने वालों में तअस्सुब नहीं होता। अगर आप तअस्सुब करेंगे तो तहकीक नहीं होती। तहकीक अलग है, रिसर्च अलग है, तअस्सुब अलग है। तअस्सुब क्या है? ये जहालत की एक ब्रांच है। सलवात पे मोहम्मद वाले, हाँ जी। और तीन चीजें जो है वो तहकीक के लिए खतरनाक हैं। इंसान तहकीक कर ही नहीं सकता सही। एक क्या है? एक है तअस्सुब और दूसरा है जिद। अगर मुझे जिद है किसी चीज से तो कितनी भी तहकीक की जाए वो सब देगा। और तीसरा है बुग्ज, नफरत। अगर मेरे दिल में किसी चीज से नफरत है, कोई हजार रिसर्च करे मगर मेरे दिल में बुग्ध है, मुझे नहीं मानना। चाहे कि आप देख रहे कि अबू जहल के सामने रसूल खुदा मोजज़े पर मोजज़े दिखा रहे हैं मगर फिर भी ईमान नहीं ला रहे। क्यों? कि अबू जहल के दिल में यही तीन सिफत थी, बुग्ध भी था, तअस्सुब भी और जिद भी। सलवात पे मोहम्मद वाले। इन तीन सिफात को निकाल के अगर आपने रिसर्च की तो यकीनन आपको हक का रास्ता मिल जाए। अजीजाने किराम, कोशिश ये करें कि मुआशरे में ये फिरका परस्ती, ये नफरत, ये अदावत, ये कत्लो गारत करी उस वक्त खत्म हो सकते हैं जब हम तहकीक की तरफ चलें, तअस्सुबात को छोड़ दें। अब देखिए मुसलमानों के बहुत सारे फिरके हैं। अब इस फिरका परस्ती में जो नफरत और तअस्सुब है उसे खत्म करना चाहते हैं। भाई आपका अपना कीदा, हमारा अपना। अब शिया सुन्नी अक्सर मुसलमानों का यकीदा है कि हम वसीले के कायल, हत्ता कि हम दुआ भी मांगते हैं तो कहते हैं परवरदिगार अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी इस दुआ को कबूल कर। इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अक्सरियत। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं वो कहते कि नहीं, ये वसीले की जरूरत ही नहीं, खुदा जो है वो शहरग से भी ज्यादा नजदीक, तो वसीले की क्या जरूरत है, खुदा तो सबसे ज्यादा करीब है, तो ये वसीला इसे हम नहीं मानते। अगर यहां तक कोई कहे कि हम नहीं मानते तो बात इतनी खतरनाक है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा तो फिर क्या होगा, तहकीक की जगह तअस्सुब आ जाए। भाई ठीक है, आपका कीदा है, आपने कहा कि भाई वसीले की जरूरत ही नहीं, खुदा तो शहरक से ज्यादा नजदीक, ठीक है आपका कीदा। लेकिन हम कहते हैं कि वसीले की जरूरत है क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं कि हम खुदा की बारगाह में जा सकें। हम गुनहगार हैं, हमें मासूम वसीले की जरूरत है। अब देखिए यहीं पर दो जो है आइडियोलॉजी, दो अकीदे सामने आ गए। अब इसमें कोई जरूरत नहीं कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा। अब मुसीबत यह है कि जहां तअस्सुब है वहां एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगते हैं। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि वसीले की जरूरत नहीं, उनकी भी दलील सुन लें और हम वसीले के कायल, हमारी भी दलील सुन लें। अब वो क्या कहते हैं, जो वसीले को नहीं मानते, कहते खुदा से डायरेक्ट आप मांग सकते हैं, खुदा से डायरेक्ट आप दुआ कर सकते हैं, वसीला जरूरी नहीं। अच्छा क्यों जरूरी नहीं? वो कहते हैं इसलिए कि खुदा को आप कैसे नबी का वास्ता देते,
खुदा को आप कैसे अली का वास्ता देते, ये तो मखलूक है। बेशक मखलूक है, हम भी यही कहते मखलूक, नबी और अली ये तो मखलूक में शामिल है। आप खुदा को वास्ता दे रहे मखलूक का, भाई मखलूक का खालिक पर कोई हक ही नहीं, कोई राइट नहीं, क्यों नहीं? अब वो दलील उनकी कि भाई देखिए अल्लाह ने हमें आंखें दी, हमने अल्लाह को क्या दिया? अल्लाह ने हमें जबान दी, हमने अल्लाह को क्या दिया? अल्लाह ने हमें हाथ दिए, हमने अल्लाह को क्या दिया? अल्लाह ने हमें कान दिए, हमने अल्लाह को क्या दिया? अल्लाह ने अक्ल दी, हमने अल्लाह को क्या दिया? अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने दौलत दी, इतनी चीजें दी कि हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो कुछ अल्लाह को नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ अल्लाह दे रहा है, तो अल्लाह का हम पर हक है। मगर हम हैं मखलूक, अहल बैत भी है मखलूक, अंबिया भी है मखलूक, इमाम भी है मखलूक, लिहाजा मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं। अब ये हमारे इस फिरके की मसलन ये दलील। अब आइए हम क्या कहते हैं, शिया सुन्नी जो वसीले के कायल हैं, हमारी क्या दलील? वो कहते भाई अहल बैत, रसूल खुदा, इज्जत एहतराम अपनी जगह पर, मगर वो मखलूक में है। अली अलैहिस्सलाम मखलूक में है, पंतन पाक मखलूक में है, आप मखलूक का वास्ता दे रहे हैं खुदा को। मखलूक पर खुदा का हक है, मखलूक का खुदा पर कोई हक नहीं। ये उनकी दलील कि मखलूक का खुदा पर कोई हक नहीं। आइए चलते हैं कुरान मजीद की तरफ, कुरान मजीद से फैसला कराते हैं। सूरह यूनुस को खोलिए, ये कुरान का 10वां सूरा है, आयत का नंबर 103। खुदावंद आलम की आवाज आ रही है, कदालिक हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन। खुदा ये फरमा रहा है कि मोमिनीन का मुझ पर हक है कि मैं उन्हें निजात दूं। अब जब कुरान की आयत आ गई तो अब तो कोई बंदा कुरान के सामने बोल नहीं सकता। कुरानी दलील से बढ़कर कोई दलील नहीं है कि कुरान में खुदा ये खुद कह रहा है जो मोमिनीन है उनका मुझ पर एक हक ये है कि मैं उन्हें निजात दूं। अब जब खुदा खुद कह रहा है कि मोमिन का मुझ पर हक है, तो हम कौन हैं मोमिनीन के हक से इनकार करने वाले? दूसरी आयत सुनिए, सूरह रूम और सूरह का नंबर 30, आयत का नंबर 47। खुदा फिर फरमा रहा है सूरह रूम में, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। खुदा ये फरमा रहा है मोमिनीन का मुझ पर दूसरा हक ये है कि मैं उनकी मदद करूं। दो हक, दो राइट्स जो है मोमिनीन के, कुरान ने इन दो आयतों में बताए। मोमिनीन का एक हक ये है कि खुदा ये कह रहा है कि मैं उन्हें निजात दूं। मोमिनीन का दूसरा हक मुझ पर ये है कि मैं उनकी मदद करूं। तो अजीजाने गिरामी, जब मोमिनीन का खुदा पर हक है, तो अब जो अमीरुल मोमिनीन होगा, जब आम मोमिनीन का खुदा पर हक है, तो जो मोमिनों के भी नबी और मौला होंगे, तो उनका कैसे हक नहीं हो सकता? अब ये दलील, आइए और आगे बढ़ें कि हम क्यों वसीले के कायल हैं। मगर इसका मकसद ये नहीं कि अगर कोई वसीले का कायल नहीं तो हम उन पर कुफ्र के फतवे लगे। ये तासुब, इससे फिरका परस्ती जन्म लेती। आप अपना अकीदा सुनाएं, दूसरे लोग अपना अकीदा सुनाएं, मगर ये कहां लिखा है कि आपके अकीदे पर जो अमल न करे आप उस पर अपना अकीदा मुसल्लत? ला इकराह फिद दीन। देखिए दीन में जबरदस्ती नहीं, उन्हें भी तहकीक करने दें, आप भी तहकीक करें। हम क्यों वसीले के कायल? शिया सुन्नी हजरात अक्सरियत जो है वो वसीले को मानते हैं, दुआएं मांगते हैं तो पंतने पाक के सदके, उन पाक असहाब का सदका देते हैं जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, औलिया खुदा का वास्ता देते हैं। अजीदाने गिरामी, ये चीज कुरान करीम में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? इब्तदाई सूरा, सूरह हम के बाद सूरह बकरा, सूरह बकरा दूसरा सूरा,
आयत का नंबर 37 हजरत आदम का जिक्र है, फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन वताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि खुदा फरमा रहा है, कुरान में फरमा रहा है कि खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर यह लुत्फ करम किया कि हजरत आदम को कुछ कलमात सिखलाए कि आदम अगर तौबा तू चाहता है कि मैं तेरी तौबा कबूल कर लूं, अगर तू चाहता है कि मैं अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करूं तो इन कलमात के जरिए से तौबा कर। अब डायरेक्ट की बात नहीं है, खुदा खुद हुक्म दे रहा है आदम को, अगर तौबा चाहते हो तो कलमात के जरिए से दुआ करो तो तेरी तौबा कबूल। अच्छा वो कलमात क्या है? अब ये तफसीर दुरे मंसूर में भी, अहले सुन्नत की तफसीर है, अहले तशय्यु की तफसीर में भी, कंजुल उम्मात अहले सुन्नत की किताब है, दलालुन नबुव्वा बेहकी की किताब, बहुत सारी किताबें उनमें ये चीज ये हदीस मौजूद है। जब पूछा गया सरकार रिसालत इमाम से ये कलमात क्या थे जिन कलमात के जरिए से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, तो हुजूर ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जो कलमात थे वो ये कलमात थे। उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह बेहक मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। परवरदिगार तुझे तेरे नबी का वास्ता, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, परवरदिगार तुझे फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, परवरदिगार तुझे हसन और हुसैन का वास्ता, मेरी तौबा को कबूल कर। हजरत आदम नबी है लेकिन जब पंचने पाक का वास्ता देते हैं तो खुदा बंदे आलम उनकी दुआ को कबूल करता है। ये हमारे पास कुरान से दलील है कि वसीले के जरिए से दुआ मांगनी चाहिए। जब आदम की दुआ बगैर इनके कबूल नहीं होती, आदम जो नबी अजीदान किरामी, इसी तरह से सूरह माईदा पांचवीं सूरह 35वीं आयत खुदा फिर फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। तरीका क्या है तकवा का? फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। सलावत पढ़िए मोहम्मद इबाल, ये तीन चार आयतें आपने सुनी कि खुदा खुद फरमा रहा है कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश। तो अज़ीज़ाने किराम इस तहकीकी अंदाज से गुफ्तगू हो सकती ताकि आज जो दुनिया में नफरतें हैं वो मोहब्बतों में बदल। ये नहीं कि जो आपका या हमारा अकीदा है जो उस अकीदे पर अमल नहीं करता हम उस पर कुफ्र के फतवे लगा। आज अफसोस का मकाम है, बजाय इसके कि हम काफिरों को मुसलमान बनाए, जो मुसलमान है हम उन्हें काफिर बना रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद इमाम। लिहाजा बहुत अच्छा जरूरत है आज दुनिया के हालात देख, इस्लाम गरीब इस्लाम मजलूम, आज मुसलमानों को शऊर देने की जरूरत है कि तहकीकी मुसलमान बनो तअस्सुबी मुसलमान बनो। इतना नुकसान हुआ है मुसलमानों का खुद इस्लाम का कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो लोग देख रहे हैं जो लोग तहकीक कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितना अजीम नुकसान हुआ है फिरका परस्ती से। इस फिरका परस्ती की लानत को खत्म होना चाहिए। अब इसकी जड़ें कहां से? अगर शिया सुन्नी सारी फिरकों में आप देखें ये फिरका परस्ती कहां से जन्म लेती है, तो ये चंद ऐसे लोगों की वजह से फिरका परस्ती हो रही जो मुफाद परस्त, शियों के अंदर भी है सुन्नियों के अंदर भी। कुछ ऐसे उलमा हैं जो प्रोफेशनल, जिनका कारोबार के लोगों के जज्बात को उभारें, तो उनके तीन मकासद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि ज्यादा पैसा मिल जाता है,
क्योंकि ये इंसान, हर इंसान के अंदर अपने जात की मोहब्बत, सिर्फ औलिया खुदा हैं जो अपनी जात की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत में खत्म कर देते हैं। तो क्योंकि जात की मोहब्बत, अगर आपके फिरके की कोई तारीफ करेगा आप खुश हो जाएंगे, और दूसरा जो फिरका है आपके खिलाफ या दूसरा फिरका उस पर कोई कीचड़ उछालेगा तो आप खुश हो जाएंगे। आम आदमी यही फिक्र रखता है और इसी वजह से फिरका परस्ती बढ़ती चली गई है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, वो चाहते वाले इसी तरीके से क्या होगा, हमें सस्ती शोहरत मिल जाए। और ऐसा ही होता, पैसे की वजह से कुछ इधर हमारे पास ऐसे लोग हैं, उलमा हैं, जो नफरत की बातें करते हैं, नहीं कि दीन की कोई तबलीग करते, दूसरे फिरके पर छींटे उछालना या तंज करना या मजाक करना, तो क्या इससे कोई आपके मजहब के अंदर आ जाए? बताइए, अगर आप किसी के रहबर पे तंज करेंगे, चुटकुले बताएंगे, लतीफे बताएंगे, तो जो सुनेगा आपसे और दूर हो जाए। अजीदान गिरा, ये सिर्फ ये लोग हैं जो चाहते हैं कि इनका दुनियावी फायदा, या फिर शोहरत की वजह से, या फिर दुनियावी मकामात की वजह से, सियासत की वजह से कि सियासत में उन्हें कोई पार्लियामेंट में सीट मिल जाए। ये लोग मुफाद परस्त हैं, और ये शियों के अंदर भी है और सुन्नियों के अंदर भी है। ये जज्बात को भारने वाले होते हैं, और उनकी पहचान ये है। ये जो फिरका परस्ती फैलाने वाले लोग हैं, आप देखिए उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है। कभी वो तकवा की बात नहीं करेंगे, कभी वो नमाज रोजे की बात नहीं करेंगे, कभी वो अमर बिल मारूफ की बात नहीं करेंगे, कभी वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हराम को छोड़ दो, रुश्वत को छोड़ दो। वो क्या करेंगे, वो आपके जज्बात को भार कर अपना फायदा लें। तो जब तक के कौम के अंदर ये शऊर पैदा न किया जाए कि ये जो जज्बात को भारने वाले हैं, ये अपना फायदा चाहते हैं, दीन के मुफाद में नहीं है, इस्लाम के मुफाद में नहीं है, और यही लोग खून बहवाते हैं, यही लोग लड़वाते हैं, यही लोग जो है कत्ल वारदगारी के सबब है। जब अवाम के अंदर ये शऊर आ जाए कि ये जो किसी पर तंज कर रहे हैं, किसी पर हिट कर रहे हैं, ये खुद हमारे मजहब के ही दुश्मन है, हमारे मजहबी के खिलाफ है, ये फितना चाहते हैं। अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और कुरान ये कह रहा है फितना कत्ल से बड़ा गुनाह। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाल। अजीदान का लिहाजा ये शऊर देना आप हम सबकी जिम्मेदारी, खुसूसन मीडिया, टेलीविजन है, अखबारें हैं, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी इस पर खर्च करें तो मुसलमानों के अंदर से लानत खत्म हो सकती है। ये फिरका परस्ती की लानत, कौम परस्ती की लानत, जिससे आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और जैसे अभी आपने सुना कि मन अहिया फकअन्नमा अहियन्नास जमीया, ऐ लोगों देखो, अगर तुमने एक इंसान को भी जिंदा किया। अब किसी ने पूछा इमाम से, पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कहा मेरे आका जिंदगी तो खुदा के हाथ में, हम किसी को जिंदा कैसे हैं? क्या कुरान कह रहा है मन अहिया फकअन्नमा अहयन्नास जमीया, अगर तुमने किसी को जिंदा किया तो इसका अजर इतना है गोया तुमने एक आदमी को जिंदा नहीं किया, सारे इंसानों को जिंदा किया। तो इमाम ने जवाब दिया, यहां जिंदा करने से मुराद किसी को हिदायत देना, गाइड करना। अगर एक इंसान शराब के नशे में धुत है, नमाज से दूर है, इस्लाम से दूर है, तकवा से दूर है, हैवानी जिंदगी बसर कर रहा है, जैसे हैवान खाते हैं पीते हैं और शहवाद के पीछे है, ऐसे उसकी जिंदगी है, मकसद हयात का उसे पता नहीं कि दुनिया में क्यों आया है, किस मकसद के लिए हैवान की तरह जिंदगी बसर कर रहा है, शराब भी पी रहा है, खंजीर भी खा रहा है, सूद भी खा रहा है, सब कुछ हराम कर रहा है, अगर आपने इस एक इंसान को हिदायत दे दी, अल्लाह का रास्ता दिखा दिया, मस्जिद का रास्ता दिखा दिया, आखिर तुझे मरना है, आखिर तुझे कब्र में जाना है, वहां एक एक चीज का हिसाब होगा, अगर ये एक इंसान जो है आपकी कोशिश की वजह से हिदायत आ जाए, तो ये मत समझिए कि आपने फकत एक इंसान को हिदायत दी है, बल्कि खुदा ये फरमा रहा है मैं तुझे सवाब इतना दूंगा गोया तूने पूरी दुनिया को मुसलमान कर दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। अजीजान करीम, अब हमारा जो टॉपिक है वो है तरबियत औलाद। अल्लाह
भाई दूसरा कोई बात आपकी सुने या न सुने, रास्ते में किसको पकड़ पकड़ के आप हिदायत देंगे, लेकिन जो बच्चा आपके घर में है, जो आपके ताबे है, जिसकी परवरिश आप कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अल्लाह ने मौका दिया है। इसी एक बच्चे को अगर आपको अल्लाह ने एक बच्चा दिया है, एक बच्चे को हिदायत कर दें, अगर दो बच्चे हैं तो दो की, तीन है तो तीन की, तो अजर इतना है गोया पूरे दुनिया के इंसानों को आपने हिदायत। अज़ीज़ाने गिरामी देखिए, ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। इसके बहुत सारे फवायद, कैसे? मसलन एक इंसान ने पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, गफलत में, बदकारी में, चोरी में, बहुत जहालत में था, अब वो क्या करे? गुनाहों का कफारा किस तरह से? माँ बाप भी जिंदा नहीं है, वरना माँ बाप की खिदमत भी गुनाहों का कफारा है। तो अब अगर वो शादी कर ले और उसके बच्चे, अल्लाह उन्हें बच्चे भी अता करे, अगर इन्हीं बच्चों की सही तरबियत कर दे और ये बच्चे नमाजी हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, तो इसी अमल की वजह से खुदा उसके सारे गुनाहों को बख्श दे। औलाद एक ऐसी नेमत है कि इसके जरिए से आप अपने गुनाहों को मिटा भी सकते हैं। अच्छा, जब इंसान मर जाता है फिर तो उसका कोई अमल नहीं। इसमें अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, लोगों जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे अहमाल नामे की किताब बंद हो जाएगी। अब एक नेकी बढ़ा नहीं सकते, एक गुनाह तुम घटा नहीं सकते, मगर वही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तीन काम करके मरो ना तो तुम्हारा अहमाल नामा कभी बंद नहीं हो। किताब में नेकियां आती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। असहाबे किराम हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल वो तीन काम क्या है? कहा, मरने से पहले कोई मदरसा बना के, कोई मस्जिद बना के, तो उस मदरसे मस्जिद में जो लोग भी हासिल करेंगे, इबादत करेंगे, क्योंकि आप बानी है ना, तो उनको भी सवाब मिलेगा, और जितने आके पढ़ेंगे तो उसका सवाब जो है वो कम नहीं होगा, बल्कि उन्हें भी सवाब मिलेगा और जो बानी है उसके भी सवाब। सवाब कभी कम नहीं होता। जैसे हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो कहते हैं, मौलवी साहब ये सिर्फ मेरे वालिद के लिए पढ़ो, दूसरों को शरीक न करो, इसमें सवाब कम हो जाएगा। नहीं, सवाब कम नहीं होता। जैसे एक चिराग से एक मिलियन चिराग जला दें, चिराग को नुकसान नहीं होता है। आप सवाब में जितने लोगों को शरीक करें, आपके वालिद को उतना ही सवाब मिलेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो फरमाया कि मौत से पहले अगर आपने मस्जिद है, मदरसा है, अस्पताल बनाए, ये सिलसिला चलता रहेगा, सवाब वहां मिलता रहेगा। और दूसरा कोई अच्छी किताब लिखो या लिखवाओ या छपवाओ, जब तक वो किताब रहेगी, कम से कम एक किताब की उम्र 100 साल तक आपको पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। फिर किसी और ने छपवा दी, फिर 100 साल आपको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी अहम चीज क्या है? जो मरने से पहले औलाद सालिह छोड़ के मरता। अब मजलिस में छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर आए, ये ट्रेनिंग है, नमाज में लेकर आए, हज पर लेकर आए, करबला लेकर गए, जियारत पर लेकर गए, खैरात के काम में लेकर गए, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, अमली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये बच्चा आदि हो जाएगा, मजलिस में आने का आदि, नमाज में आने का आदि, कुरान पढ़ने की आपने ट्रेनिंग दी, दुआ की ट्रेनिंग दी, अब आप तो दुनिया से चले गए, मगर उस ट्रेनिंग की वजह से आज ये फिर आएगा, मुहर्रम में आएगा, नमाज जुमा में आएगा, मस्जिद में आएगा, तो क्योंकि ट्रेनिंग आपने दी है, ये नमाज पढ़ रहा है, इसे भी इतना सवाब और आपको भी उतना सवाब। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह रब, आप देखिए औलाद कितनी बड़ी नेमत है कि दोनों तरफ से जिंदगी में भी आपको अजर मिलता है, आपके गुनाह माफ होते हैं, और मरने के बाद भी आपके अकाउंट में मुसलसल नेकियों पर नेकियां आ रही हैं। लेकिन अज़ीज़ाने किराम याद रखिए, अगर औलाद की, ये अल्लाह की अमानत है, औलाद अल्लाह की अमानत है, अगर इसकी तरबियत में किसी ने कमी की तो गुनाह भी गुनाह है कबीरा, यानी बहुत बड़ा गुनाह, मामूली गुनाह। अगर हमारी गफलत की वजह से हमारा बच्चा शराबी बन गया, हमारी गफलत की वजह से हमारा बच्चा बेनमाजी हो गया, हमारी गफलत की वजह से हमारा बच्चा जुआ में, गेमलिंग में, किसी बुरी सिफत में मुब्तला हो गया और हमने कोशिश नहीं की, सही ट्रेनिंग नहीं की, तो इसका गुनाह बहुत ज्यादा है, क्योंकि औलाद अल्लाह की अमानत है। बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं, कुरान और हदीस, कुरान और अहले बैत के बाद सबसे बड़ी अमानत जो खुदा की है वो औलाद।
قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا اولاد ہے. اے انسان اگر اس میں تو نے خیانت کی تو تیری کوئی عبادت قبول. مثلا میں جتنا بھی نمازی بن جاؤں, آپ نے مجھے پیسے دیے امانت کے لیے کہ مولوی صاحب یہ پاکستان میں کسی یتیم کو دیں, اگر میں اس میں خیانت کروں تو بتائیے کیا میری نماز قبول ہوگی, میرا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. امانت میں خیانت کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں. اگر میں آپ کی امانت میں خیانت کروں تو میری کوئی عبادت قبول نہیں. اگر کوئی اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. عزیزان گرامی, یہ اولاد اللہ کی امانت ہے, بہت خیال رکھیں کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے. اب یہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی ہے, کہا ہائے آخری زمانے کے بچوں. ہمارے نبی آج کل کے بچوں کے لیے اتنے پریشان کہ گریا فرما رہے ہیں, ٹھنڈی آہ لے رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, ہائے آخری زمانے کے بچے. اصحاب کرام پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول آخری زمانے میں کیا ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ؟ فرمایا ہائے آخری زمانے کے بچے, اس زمانے میں والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر تو کریں گے مگر آخرت کی فکر نہیں کریں. آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فکر ہے, بچہ او لیول کر لے, یونیورسٹی پڑھ لے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, مگر یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نمازی بھی بن جائے, بچہ متقی بھی بن جائے. اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی اٹھاتی ہے, باپ بھی اٹھاتا ہے, جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نہیں. یہ ہے آج کی صورتحال جس پر رسول خدا غمگین ہو رہے تھے, ہائے آخری زمانے کے بچے. آج ہمیں بچوں کی دنیا کی فکر ہے, بچی کی شادی کی فکر ہے, مگر بچی کی قبر کی فکر نہیں, آخرت کی فکر نہیں ہے. اللہ اللہ, رسول خدا غمگین ہو رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ دنیا کی فکر کریں گے مگر بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے. اسی لیے حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو اگر کسی ماں باپ نے یہ کام کیا کہ مثلا خود تو نمازی ہے مگر بچوں کو نماز کا اصلا شوق نہیں دلایا, عادت نہیں ڈالا, تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہی باپ یا ماں نمازی ہے مگر حکم خدا ملے گا, فرشتوں انہیں جہنم میں پھینک. پروردگار کیوں, یہ تو نمازی ہے, کبھی ان کی نماز قضا نہیں. کہاں, خود تو ان کی نماز قضا نہیں ہوئی مگر کبھی انہوں نے بچوں کو نماز کا شوق نہیں دلایا, بچوں کی ٹریننگ نہیں, خود نماز پڑھتے تھے بچے سوتے رہتے. اسی طرح سے حدیث میں ایک عورت آئے گی زندگی بھر حجاب میں رہی, پردے میں رہی, حکم ملے گا اسے جہنم میں پھینک دو. فرشتے کہیں گے کیوں, یہ تو حجاب میں رہی نیک عورت. فرمایا خود حجاب میں رہی مگر بچیوں کو حجاب نہیں سکھا, بچیاں اس کی سر ننگے پھر. یعنی عزیزان گرامی بہت اہم مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں نیک ہو جائیں اور بچوں کو بھول جائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ واجب ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں نمازی ہو جاؤں اب مجھے بچے سے کیا, نہیں, یہ امانت خدا ہے. امانت خدا میں اگر خیانت ہو جائے تو میری عبادت قبول نہیں ہے. پوری کوشش کریں, اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے, آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھئے. تربیت اولاد اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں, یہ اہم امانت خدا ہے. اگر اس امانت میں خیانت نہیں ہوئی تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر. صلوات محمد و آل محمد. انشاءاللہ آج یہ پہلی تقریر ہے, ٹاپک کا اعلان ہو گیا. ہر روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن حدیث سے یہی بتلایا جائے گا کہ کس طرح سے ایک ماں باپ کوشش کرے تاکہ اس کے بچے متقی مومن اور صالح, تاکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی, یہ جتنی انویسٹمنٹ ہم پیسے کی لگاتے ہیں نا, یہ سرمایہ گزاری, یہ ساری قبر میں دیکھا. سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے اولاد صالح.
अगर औलाद साले है तो वहां आपको कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि अजर सवाब मिलता रहे। आइए खुदा की बारगाह में चलें कि परवरदिगार तू हमें तौफीक अता फरमा कि तूने जो हमें औलाद दी है हम औलाद की सही तरबियत उन्हें सही मुसलमान मोमिन बने। اللهم صل على محمد وآل محمد ملك السلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بلند آواز اللهم وأجل فرجهم يا الله يا الله يا الله سب مل کے جتنا اللہ کا نام پیارا ہے پیار سے محبت سے عشق سے خدا سے راز و نیاز کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ بلند آواز یا سے محبت سے خدا کو اس طرح سے پکاریں کہ انشاءاللہ خدا سب کی حاجتوں کو پورا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے حضرت اشارہ سمجھ گئے یہ کس کے بازو تھے حسین دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو چوم کے فرمایا ابا او میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں
हमारे गुनाह बख्श दे, बख्श दे। अजीज़ो खुदा बड़ा बख्शने वाला, खुदा बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है। खुदा इतना मेहरबान है कि सुनिए गौर से जुमला, अगर इश्क मोहब्बत से सुना आंखों में तौबा के आंसू आ जा। मेरा कैदी इमाम सैयद साजदी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तू गुनहगार को इतना बुलाता है, इतना बुलाता है, बार बार बुलाता। कैसे बुलाता है? रमजान का महीना आया, खुदा कहता आजा मेरे बंदे, रोजा रख ले, तेरी सांस को तस्बी बना दूंगा। मगर बदबख्त बंदा नहीं आया। खुदा फरमाता अगर पूरा रमजान नहीं आया, एक शबे कदर आजा, शबे कदर आजा, मैं तुझे 70 साल की इबादत का सवाब दूंगा। बदबख्त बंदा नहीं आया। खुदा फिर अरफात में यौम अरफा, खुदा खुद फरमाता है मैदान अरफात में जहाँ हाजी जाते हैं, खुदा फरमाता है मैदान अरफात में अगर काफिर भी आके तौबा करे, मैं उसे भी बख्श दूंगा। आजा मेरे बंदे, यौम अरफा जहाँ भी रहते हो, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यौम अरफा ऐसे मनाया करो जैसे शबे कदर। एक रात एक दिन, मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे बख्श दूंगा। बंदा फिर भी नहीं आया। जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, खुदा फरमाता है मेरे बंदे आ जा, ये हुसैन का महीना है, हुसैन का वास्ता दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। अली असगर का वास्ता दे, मैं तुझे पाक कर दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुने, फरमाते ऐ खुदा, तू बंदे को इतना बुलाता है, इतना बुलाता है कि ऐसे लगता है कि तू बंदे का मोहताज है, जबकि बंदा तेरा मोहताज है, तू गनी है मेरे मालिक, मगर ये तेरा करम है। आइए खुदा को खुलूस से दिल से पुकारे, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फारो। ऐ खुदा, जिस माँ मजलूम की दुआ का जुमला सुना, उसी का वास्ता, उसी इमाम के सदके में आपने अपनी दुआएं कबूल करवा। ऐ खुदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में आज हम सबको बख्श। ऐ खुदा, आज हमें पाक कर दे। पहली मजलिस से मुहर्रम की कोई गुनाह बाकी न रहे। आंसुओं के सदके जहां जहां लोग सुन रहे हैं, रो रहे हैं, इन सारे दुनिया के मोमिनीन के आंसुओं का मेरे अल्लाह बख्श दे। उस इमाम का तुझे वास्ता जो न बाबा को कफन दे सका, न जिंदान में बहन को कफन दिया,
मेरे चौथे इमाम। कितने मजबूत अजादारो, जब चौथे इमाम शाम की कैद से वापस मदीना आए, ओ मदीने के कसाईयों ने अहद किया हम गोश के ऊपर कपड़ा रखा करेंगे, ताकि गोश के टुकड़ों पे सज्जाद की नजर न पड़े। आया पूछेंगे क्यों अजीजों, जैसे गोश के टुकड़ों पे सज्जाद की नजर पड़ती थी, ओ बाबा की पामाल लाश याद आती थी। बाबा मेरे मजलूम बाबा, आप नबी के नवासे थे मगर आपकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। जब कोई कसाई हैवान को जबा करना चाहता था, इमाम दौड़ के आते थे, हाथ में हाथ डालते थे, पूछते थे भाई इसे पानी पिलाया है या नहीं, वो कहता था मौला मैं मुसलमान हूँ। बस ये सुनते थे करबला की तरह मुंह करते थे, हाय मेरे प्यासे बाबा, जब शिमर ने खंजर चलाया था मेरा बाबा तीन दिन का प्यास। परवरदिगार इमाम ज़ैन अल-आबिदीन की यतीमी के सदके में मेरे हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को बख्श दे, हमारे वालिदैन के गुनाहों को बख्श दे, मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहों को बख्श दे। मेरे अल्लाह इस महीने में हमें आज़ादारी करने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया की तौफीक अता फरमा। जैसे आपके इल्म में होना चाहिए कि यहीं वाटफोर्ड में दो चर्चों में मजलिस इंग्लिश में होगी इसके बाद, और ये बेहतरीन मौका है आपको अपने मौला हुसैन की मजलूमियत का पैगाम पहुंचाने। लास्ट ईयर भी हमने बैटरसी पार्क के सामने ऑल सेंट चर्च में प्रोग्राम किया था, इस मरतबा आप ही के वाटफोर्ड में सेंट माइकल चर्च में 5 दिन होगा, और 5 दिन रोमन कैथोलिक चर्च में होली रूट मार्केट स्ट्रीट पर जो है। तो इसी मजलिस के बाद इंशाल्लाह आप सब लोग शरीक हों, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है आप इमाम हुसैन की आज़ादारी को इमाम बारगाहों से निकाल कर चर्चों में ले जाते, और इंशाल्लाह वहाँ नौहा भी होगा, मातम भी होगा, तो 10:30 से लेकर इंशाल्लाह जितना टाइम रहा दूसरों को भी इन्फॉर्म करें, ताकि इंशाल्लाह जैसे लास्ट ईयर एक चर्च में था, इस मरतबा 2 चर्च में हो रहा है, कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूके में, यूरोप में, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम मौला हुसैन का मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ। इमाम बारगाह से इस जिक्र को हम चर्चों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें लास्ट ईयर भी जो प्रोग्राम हुए थे चर्च में, उन लोगों ने इस साल खुद कहा था कि आप लोग रखें, और उसका बहुत असर हुआ। असलन वो शीयत को जानते नहीं हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती हैं, और हमें एक बेहतरीन मौका है कि अपने मज़हब जो हमारा मज़लूम मज़हब है, शुरू से मज़हब जो मज़लूम आ रहा, दूसरों को बताएँ कि अहल बैत पर उनके मानने वालों पर तारीख में कितना ज़ुल्म हुआ। सफरिंग ऑफ जीसस एंड सफरिंग ऑफ इमाम हुसैन। इंशाल्लाह नोहे पढ़ने वाले हज़रात जो इंग्लिश में नोहा, काफ़ी लोगों ने नोहे कुछ बनाए भी हैं, बना भी रहे, ताकि वहाँ पर इंग्लिश में नोहे और मातम भी होंगे, और इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आप शरीक। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला का फरमा। मेरे अल्लाह जो हज व ज़ियारात पर जाना चाहते हैं जो ज़ियारात नसीब फरमा, जिन्हें तूने औलाद नहीं दी उनको औलाद सालेह अता फरमा, इनको औलाद दी है कि औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह दुनिया भर में जहाँ जहाँ मोमिनीन परेशान उनकी परेशानी दूर फरमा।
मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिनीन मुश्किलात में उनकी मुश्किलात दूर फरमा। मेरे अल्लाह जो बेगुनाह कैद में उन्हें कैसे रहा फरमा। मेरे अल्लाह जल्द जल्द जुल्म ज़ालिमीन के खात्मे के लिए हमारे मौला हमारे आका इमाम ज़माना को ज़हूर फरमा। इमाम के कदमों पर हमें शहादत सआदत नसीब फरमा। हमारी शहादत को कबूल फरमा। जिन्होंने दुआएँ ज़िम्मे लगाई परवरदिगार सबकी नेक दुआओं कबूल फरमा। एक मरतबा फिर आज अपने मरहूमीन को याद करें, यकून उनकी रूहें आई हुई होंगी या वह इंतज़ार में होंगी। जिनके वालदेन का इंतकाल हो गया, मेरे वालदेन और जितने मोमिनीन जो पहले आज़ादार थे, नौए खान थे, सामईन थे, मजलिस पढ़ने वाले थे, जो भी दुनिया से गुजर गए ज़ाकरीन थे, सब के लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम व इय्याका नस्तईन व बिस्मिल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على